स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NTPC रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। NTPC रिक्रूटमेंट 2022, NTPC में 864 पदों के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन, अप्लाई करने से पहले जाने योग्यता। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको विस्तार से। NTPC रिक्रूटमेंट 2022, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी नौकरी के इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। केंद्र सरकार की PSU में एक से और देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड द्वारा विभिन्न विभागों में 864 EET पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया आज यानी शुक्रवार 11 नवंबर 2022 को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वह कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट जो कि ntpc.com.in पर भर्ती सेक्शन में उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों को 300 शुल्क भी आज ही भरना होगा। हालांकि आरक्षित वर्गों को शुल्क का भुगतान नहीं करना है। NTPC भर्ती 2022 आवेदन लिंक, NTPC भर्ती 2022 अधिसूचना लिंक। NTPC रिक्रूटमेंट 2022 में 864 पदों के लिए आवेदन करने पहले जाने योग्यता। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को NTPC द्वारा जारी 864 इंजीनियरिंग एजुकेटिव ट्रेनी EET पदों के लिए निर्धारित योग्यता मानदंडों को जान लेना चाहिए। कंपनी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 65% अंकों के साथ फुल टाइम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही उम्मीदवारों को उसी विषय के साथ गेट 2022 परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की आयु आवेदन की आखिरी तारीख यानी आज 11 नवंबर को 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियम के अनुसार छूट दी गई है। बता दें कि NTPC के मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन और माइनिंग में 864 EET के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू की थी। NTPC रिक्रूटमेंट 2022 की ट्रेड विषय के लिए कितनी रिक्तियां? इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग 164, माइनिंग इंजीनियरिंग 30, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 280, सिविल इंजीनियरिंग 30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 360। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं को नए इंटरेस्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।